के आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष प्रत्याशी नंदन सिंह ने नशाखोरी, अपराध, शौचालय, साफ सफाई, स्कूल, शराबबंदी और राजनीतिक गतिविधि के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरब टाइम न्यूज़। आज हम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हमारे आम आदमी का जो प्रत्याशी है अभिनंदन जी, जिनके निरंतर चुनावी प्रचार चल रहे हैं, निरंतर जनता के बीच में जा रहे हैं, सीधे जुड़ते हैं हम नंदन सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नंदन कुमार सिंह हुआ और मैं इस विधानसभा में रहता हूँ और यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। सर, अभी चुनावी माहौल चल रहे हैं और जैसे कि अभी आचार संहिता भी चल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी चुनावी माहौल लेके, कुछ बता पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हमारा पहले से ही, मैं जनता से जुड़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ, डोर टू डोर में जा रहा हूँ, मोहल्ला सभा कर रहा हूँ, नुक्कड़ सभा कर रहा हूँ और आज भी वही कंटिन्यू है। और बाइक रैली भी किया था और सभाएँ हो रही है। हमारे बहुत सारे अतिथि लोग जो हमारे यहाँ पे जिनको सह प्रभारी बनाया गया, उनकी भी सभाएँ हुई। 16 तारीख को भी एक सभाएँ हैं, सभा है बड़ा, जिसमें हम लोग टाटीबंद में उसको कर रहे हैं। और हमारे जो प्रभारी हैं जिनको यहाँ पे बनाया गया, उस सभा के लिए प्रभार दिया गया है, वो पंजाब के विधायक हैं और मिनिस्टर भी हैं वो। तो यहाँ ऐसी सभाएं के साथ साथ हम लोग आउटडोर डोर कैंपेन के साथ ही चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, चुनावी माहौल है, आप जनता के बीच में किन किन मुद्दे को लेकर जाएंगे आप, हम हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बता सकते हैं? देखिए, कुछ मुद्दा तो जो हमारा मेन जो गारंटी था वो 10 गारंटी, आप लोग सबको पता है कि स्वास्थ्य में हमने गारंटी दिया है कि बेहतरीन स्कूल बनाएंगे जो दिल्ली मॉडल में है, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जो दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल में बहुत अच्छा से आपको पता है। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए हम लोगों ने 1000 रुपया उनके जो बात के देने की, ताकि उनका घर अच्छे से बोलते हैं ना कि अच्छे से कुछ उनकी विकास हो सके। और जितने भी बेरोजगार हैं उनको 3000 रुपया देने का हमने वादा किया है आम आदमी पार्टी ने, वो पूरा करेंगे। और 10 लाख लोगों तक रोजगार देने की बात है और जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करना है ये सब। और उसके साथ साथ 300 यूनिट तक बिजली, हम लोग जीरो बिजली बिल की बात तो करते हैं जो दिल्ली और पंजाब में आप देख रहे हैं हम लोग जो दे रहे हैं। तो यहाँ और कुछ लोकल मुद्दे हैं जो पश्चिम विधानसभा के लिए मैंने तैयार किया है, उसमें सबसे प्रमुखता के मुद्दे की बात करेंगे तो वो है अवैध नशाखोरी, जो छोटे छोटे मोहल्लों में मैं जाता हूँ, बस्तियों में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। उसको 1 महीना के अंदर मैं रोकूंगा और उसको हर एक एरिया में हम कैमरे लगाएंगे जहाँ पे सार्वजनिक एरिया है। आप जितने भी गार्डन देखते हो जहाँ पे लोग जाते हैं सुबह सुबह, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था अच्छे से नहीं है, उसको करूँगा मैं, क्योंकि वो हमारे विधानसभा की समस्या है और सफाई की समस्या है, उसको पूरा करेंगे हम लोग। और समस्या है कि स्कूल में कमेटी गठित करेंगे जो कि देख सके कि कैसा वहाँ पे शिक्षा हो रही है, कैसे एजुकेशन हो रही है। और एक हेल्पलाइन नंबर हम लोग विधायक की तरफ से, विधायक जो होते हैं उनकी तरफ से करूँगा, ताकि आप कभी भी कॉल करके समस्या को हम निवारण करने के लिए प्रयास करेंगे। सर, चूँकि सर जैसे कि आम आदमी पार्टी की तरफ आपसे प्रत्याशी का नाम आया है, तो क्या लगता है सर आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता आपको जिताने के लिए पूरी तरह तैयार है, इस विषय में क्या बोलेंगे सर? हाँ, सभी लोग लगे हुए हैं, सुबह शाम दोपहर रात हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, सभी पदाधिकारी हमारे साथ हैं और उन्हीं की बदौलत मुझे ये जो प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ गारंटी कार्ड होता है, डोर टू डोर कैंपेन होता है, हमारे यहाँ इसके पहले बुक प्रोफाइलिंग हम लोगों ने किया, ग्राम प्रोफाइलिंग किया, मोहल्ला प्रोफाइलिंग किया, सब में सभी कार्यकर्ता ने साथ दिया और उसी के बदौलत ही, उसी के कारण ही हम मेरे को यहाँ के प्रत्याशी बनाया गया। आपके प्रतिद्वंद्वी भी तैयार है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भी अनेक पार्टी है रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? आपके कांग्रेस के विपरीत, मतलब आपके विपरीत कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा और हमारी जो जनता है रायपुर की जनता उनके बारे में भी जानना चाहूँगा सर। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो डरी हुई है और उनके यहाँ अंदर में बहुत सारे अंतर्कलह जो बोलते हैं ना वो है, इसलिए डिक्लेयर टिकट नहीं करी है। तो हमारे लिए विरोधी कोई नहीं है, हमारे साथ, हमको जनता के लिए काम करना है और जनता को साथ में लाना है। बोलते हैं ना कि आप बीजेपी और कांग्रेस वाले से कैसे लड़ेंगे, हम लड़ने नहीं आए, जीतने आए और जनता का सहयोग लेने आए और जनता के लिए काम करने आए।
तो जनता हमको सहयोग करेगी और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है उनके साथ, क्योंकि हम मिले हुए हैं, डोर टू डोर जाते हैं, उनके मोहल्ले में जाते हैं, तो उनके लिए हम बहुत सारे जो है योजनाएं हम जो बताएं अभी आपके उसके पहले लागू करेंगे, तो उनका साथ हमारा जरूरी है। रायपुर छत्तीसगढ़ में नए मतदाता सूची जारी होते हैं, मतलब नए मतदाता जो 28 से 25 साल की उम्र में नए मतदाता जिनको पहला मौका दिया जाता है मत करने का, तो उसमें युवक भी शामिल होते हैं, कुछ युवक की युवती भी शामिल रहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से उस युवक और युवती को क्या संदेश देना चाहते हैं जो पहला मतगणना करने वाले हैं? मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे राजनीतिक आपने देखा धर्म के नाम पे होती है राजनीतिक, होती है कास्ट के नाम पे होती है, क्षेत्रवाद के नाम पे होती है, व्यक्ति विशेष की राजनीति होती है। मैं कहता हूँ इस बार आप अपने लिए वोट दीजिए, इसमें शिक्षा पे हम बात करते हैं तो उस यंग जनरेशन को सबसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, तो अच्छे स्कूल के लिए जो काम कर रहे हैं उस पर बात करिए, काम करिए, और नियमित कर्मचारी जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस उनको नियमित करेंगे तो ये, और बेरोजगारी भत्ता हम लोग 3,000 देंगे तो वो ट्यूशन पढ़ सकते हैं, अपने खर्चे कुछ निकाल सकते हैं, ताकि जब तक उनको नौकरियां ना मिले तो उनके लिए तो आम आदमी पार्टी जो है सबसे ज़्यादा कटिबद्ध है और उनके लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं, और उनको इसे सोच करके वोट देना चाहिए। और जो है वो यंग जनरेशन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शार्प हैं, उनके पास मोबाइल है, उनके पास मीडिया है, उनके पास सोशल मीडिया है, और वो समझ रहे हैं कि अब इस बार किसको वोट देना है। पार्टी बहुमत की सरकार बनाती है, गठबंधन की सरकार बनाती है, तो शराबबंदी के मामले नशाखोरी ज़्यादा चल रहा है, तो उस मामले को लेकर अब सरकार क्या करेगी रायपुर में छत्तीसगढ़? हम पश्चिम विधानसभा हैं कि क्योंकि मैं इस विधानसभा में काम कर रहा हूँ और प्रत्याशी भी हूँ, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस विधानसभा में जितने अवैध नशाखोरी उसको एक महीने के अंदर मैं बंद कर